अगर आपको एक्सेलरेशन कंट्रोल करना है सही तरीके से, तो सबसे पहले आपको करना यह है कि आप एक्सेलरेशन जो है हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में जो है मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू कंट्रोल थ्रोटल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूँगा थैंक यू सो मच फॉर योर ऑसम लव एंड सपोर्ट, जिसके वजह से हम लोग जो है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। प्लस एक और चीज़, जैसे मैंने बोला था कि मैंने सेकंड व्यू के लिए एक और कैमरा लिया है, तो आप ये देख सकते हो ये जो है मेरा कैमरॉन का कैमरा है जो मैंने यहाँ पर फिट किया है, जिससे आपको ये जब मैं एक्सेलरेशन बताऊँगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे यूज़ करना है और किस तरीके से हैंडल करना है। थ्रोटल यानी एक्सेलरेशन, जिसका आप लोगों बिगिनर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। कोई लोग इसको अच्छे से नहीं कंट्रोल कर पाते, कोई लोग जो है उसको बहुत ख़राब तरीके से कंट्रोल करते हैं, जिसके वजह से वो उनका बाइक बहुत बीच में बंद हो जाता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो इसके वजह से होती है। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस थ्रोटल को कैसे कंट्रोल करना है। स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक से। जब भी आप बाइक पर बैठे हो तो आपका बाइक जो है वो बंद रखो और एक थ्रोटल केबल को इस तरीके से पकड़ लो। एक बार आपने थ्रोटल केबल पकड़ लिया, उसके बाद जो है आप स्लोली इस तरीके से अपने हाथ को घुमा के ये चीज़ ट्राई करो कि आपका बाइक का थ्रोटल जो है वो कितना टाइट है, कितना कड़क है, और किस तरीके से और कहाँ से ये रिएक्ट करना स्टार्ट करता है। लाइक सबसे पहले अगर जो है मैंने इसको इस तरीके से यहाँ से पकड़ा है और मैं इसको हल्का सा यहाँ पे घुमाता हूँ, तो ये जो है यहाँ से एंगेज होना स्टार्ट होता है। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका जो कंट्रोल है वो यहाँ तक जो है वो कुछ भी नहीं है। इसके बाद इसके आगे जब हम लोग जाएंगे तब इसका कंट्रोल जो है वो चालू होता है, यानी कि इतना जो पार्ट है वो तो कुछ काम का नहीं है। तो यहाँ तक अगर आप कभी भी एक्सेलरेशन दोगे तो कभी काम नहीं करेगा। फिर इसके बाद यहाँ से आप स्लोली स्लोली बढ़ाना चालू करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि एक्सेलरेशन जो है वो घूम रहा है। अब एक्सेलरेशन है जो ऑल द वे अगर मैं आपको बोलूँ तो पूरा ऐसा इतना तक जाता है। इतना थ्रोटल अगर आपको नहीं देना है किसी भी सिचुएशन में, रीज़न ये है कि बहुत सारी बाइक होती है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, अगर आपने एकदम से सडनली एक्सेलरेशन दे दिया तो क्या हो सकता है, मे भी अगर जिक्सर है जिसका पावर ज़्यादा है तो मे भी हो सकता है कि ये व्हीली करे, और मे भी हो सकता है कि कुछ बाइक्स होती है वो व्हीली होने के जगह पर सीधा आगे भाग के किसी को ठोक दे। सो ये दो चीज़ें हो सकती है, तो वैसा मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको थ्रोटल जो है कंट्रोल करना सीखना। अगर आप बिगिनर हो और आप थ्रोटल कंट्रोल करना चाहते हो तो आपको ये जो थ्रोटल है वो कुछ इस तरीके से कंट्रोल करना है। ये जो थ्रोटल है वो आपको कंट्रोल करना है कुछ इस तरीके से कि आप जो है सबसे पहले बंद बाइक में इस तरीके से बैठ के इतना एक्सेलरेशन देने का ट्राई करो, बस इतना सा। इससे ज़्यादा आपको एक्सेलरेशन देने का स्टार्ट नहीं करना है, और हर एक टाइम पे आप जब इतना एक्सेलरेशन दोगे तो आपका बाइक का स्पीड जो है वो इतने गियर पर पहुँच जाएगा, इतने स्पीड पर पहुँच जाएगा कि आपको जहाँ पर गियर शिफ्ट करना है। सो आपको एक्सेलरेशन देना है, फिर छोड़ना है, फिर गियर शिफ्ट करना है, फिर एक्सेलरेशन देना है, फिर गियर शिफ्ट करना है। सो इतना जो है वो मोर देन इनफ हो गया सिटी के अंदर राइड करने के लिए। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा वाला जो चीज़ है वो बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आपको समझ में आएगा कि एक्सेलरेशन कैसे रिलीज़ करना है। सबसे पहले एज अ बिगिनर अगर आप नॉर्मल जगह पे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नॉर्मल जगह को छोड़ के किसी ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे थोड़ा सा स्टीप, थोड़ा सा डाउनहिल साइड हो, थोड़ा सा फॉल साइड हो। तो होगा ये कि जब भी आप अपने बाइक को छोड़ दोगे तो आपका जो बाइक है वो आगे बढ़ेगा। लाइक अभी मेरा बाइक जो था वो गियर में था, अभी जो है वो तो लाइक यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ तो मेरा बाइक जो है वो आगे जा रहा है। सो आप ऐसे थोड़े से ढलान वाले एरिया में आ जाओ, और ढलान वाले एरिया में आने के बाद आपको ये करना है कि आपको अपना पैर से थोड़ा सा पुश करना है, बाइक को स्टार्ट करना है। बाइक को स्टार्ट करना है, एक बार जो है आपका बाइक स्टार्ट हो जाता है उसके बाद आपको फुल क्लच प्रेस करके आपको जो है फर्स्ट गियर शिफ्ट करना है। जब आपका जो गियर है वो फर्स्ट शिफ्ट हो जाता है उसके बाद सबसे पहले आप क्लच को मत छोड़ो, आपको इस बार एक्सेलरेशन को जो है वो कंट्रोल करना सीखना है। सो आप जो है अपना पैर को हल्के से पुश करना चालू करो तो आपका बाइक जो है वो धीरे धीरे आगे जाएगा, और थोड़ा सा एक्सेलरेशन दो, राइट। सो लाइक आप इस तरीके से अगर थोड़ा सा एक्सेलरेशन दोगे तो ये जो चीज़ है वो कंट्रोल होगी। फिर क्लच को जो है वो स्लोली स्लोली छोड़ना स्टार्ट करो। सो अगर आप क्लच को छोड़ना स्टार्ट करोगे तो आपको जो एंगेज डिसएंगेज वाला पॉइंट है जो कि आपको यहाँ पर क्लच में दिख रहा है और एक्सेलरेशन में है, ये दिख रहा है, ये जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ से कंट्रोल होना स्टार्ट हो रहा है। सो आपका जो एक्सेलरेशन है आप कहाँ से कनेक्ट होना स्टार्ट हो रहा है वो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। सो लाइक जैसे मैंने बताया कि जब भी आप डाउन हिल या ऐसे थोड़े से स्लोपी एरिया में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको जो है वो आपके गियर करना है फर्स्ट गियर पे, और उसके बाद जो है आपका फुल क्लच प्रेस करके रखना है, और एक्सेलरेशन जो है वो यहाँ से थोड़ा सा देना है, तो जिसकी वजह से जो आपका बाइक है वो बढ़ना चालू हो जाएगा। और क्लच जो है आप एक काम कर सकते हो,
लाइक इस तरीके से एक्सेलरेशन दो और आपका जो क्लच है वो छोड़ना स्टार्ट करो, आपका बाइक जो है वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। सो लाइक आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको एक्सेलरेशन कंट्रोल करना है सही तरीके से, तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आप एक्सेलरेशन जो है वो स्लोली दो, और आप जो है एक्सेलरेशन स्लोली दो, और जब आपका बाइक एकदम ज़बरदस्त दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप एक्सेलरेशन जो है वो स्लोली दो, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि आपका बाइक का इंजन थोड़ा स्पीड में घूमने लग गया है। फिर उसके बाद जो है आप क्लच देना स्टार्ट करो। ये दिख रहा है आपको मेरे बाइक का ऑटोमेटिक जो एंगेजिंग पॉइंट है वो आपको समझ में आएगा। ये जो है वो बाइक का एंगेजिंग क्लच का और जो आपके एक्सेलरेशन है उसका एंगेजिंग पॉइंट है। फिर से मैं एक बार आपको करके बता देता हूँ कि लाइक मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, मैंने ज़्यादा स्पीड में नहीं दिया है, कुछ 2000 RPM के आसपास ही है, और यहाँ पे जो है मैं क्लच स्लोली छोड़ना स्टार्ट करता हूँ। सो जैसे ही मैंने क्लच स्लोली छोड़ना स्टार्ट किया, मेरा क्लच और जो एक्सेलरेशन है वो दोनों एंगेज हो जाते हैं, और यहाँ पे जो है मैं क्लच स्लोली छोड़ना स्टार्ट करता हूँ। सो जैसे ही मैंने क्लच स्लोली छोड़ना स्टार्ट किया, मेरा क्लच और जो एक्सेलरेशन है वो दोनों एंगेज हो जाते हैं। और जिस तरीके से मुझे समझ में आता है, आपको हमेशा एक्सेलरेशन जो है वो बहुत स्लो और लाइट तरीके से देना है, ज़्यादा स्पीड में नहीं। फिर से फुल क्लच प्रेस करके फिर से एक्सेलरेशन देके फिर आप हाफ क्लच पे जा सकते हो। आपको अगर क्लच के इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप ये जो है इस तरीके से जो एक्सेलरेशन को कंट्रोल कर सकते हो। दूसरा जो है वो एक चीज़ ये है कि जब भी आप अपहिल में जाओगे तो अपहिल में आपको ये कंट्रोल जो है वो स्लाइटली डिफरेंस होगा। आपको एक्सेलरेशन थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, और जितना एक्सेलरेशन दोगे उस मुकाबले आपको क्लच जो है वो उस तरीके से छोड़ना है। अगर आपने सडनली जो है क्लच छोड़ दिया तो आपका बाइक जो है वो बंद हो जाएगा, राइट। सो वैसा चीज़ जो है वो आपको नहीं करना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा आपको, आपको जो एक्सेलरेशन पहले देना है, एक्सेलरेशन कंट्रोल करने के लिए एक्सेलरेशन दो, बराबर, हद से ज़्यादा मत दो, एक्सेलरेशन कंट्रोल करो। यहाँ पे लाइक 2000 RPM जा रहा है, फिर आप यहाँ से सडनली स्लाइटली क्लच छोड़ना स्टार्ट करो, आपका जो गियर है वो आपके क्लच के साथ एंगेज हो जाएगा और आपका जो बाइक है वो आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। सो ये चीज़ है। सो अगेन मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो करना ये है, पहले हल्का सा थोड़ा सा एक्सेलरेशन दो, आपको फिर जो है फुल क्लच प्रेस करके रखा है, आपको हल्का सा स्लाइटली क्लच जो है वो छोड़ना है। जैसे ही आप स्लाइटली क्लच छोड़ना स्टार्ट करोगे, आपका एक्सेलरेशन और क्लच जो है वो टोटली दोनों एक दूसरे से एंगेज हो जाएंगे और आप जो है वो स्लाइटली मूव आगे बढ़ना स्टार्ट कर दोगे। सो ये जो चीज़ है वो होता है। एक और बार जो है मैं आपको करके बता देता हूँ। सो लाइक सबसे पहले आप हल्का सा एक्सेलरेशन दो, बराबर, एकदम से ज़्यादा ज़ोर से नहीं, हल्का सा एक्सेलरेशन दो जिससे आपका हल्का सा RPM बढ़ जाए, बराबर। फिर इसके बाद जो है वो आप हल्का सा क्लच छोड़ना स्टार्ट कर सकते हो। सो लाइक आपने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया है, एक्सेलरेशन कंट्रोल किस तरीके से करना है वो इसी तरीके से करना है, हल्का सा लाइटली, और फिर यहाँ पे क्लच जैसे ही आपने छोड़ना चालू कर दिया, आपका जो बाइक है वो आगे बढ़ जाएगा। जब आपका बाइक एक टोटल स्पीड पे पहुंच जाता है तब आप जो है वो इस तरीके से क्लच छोड़ के बाइक चला सकते हो। फिर यहाँ पे क्लच जैसे आपने छोड़ना चालू कर दिया, आपका जो बाइक है वो आगे बढ़ जाएगा। जब आपका बाइक एक टोटल स्पीड पे पहुंच जाता है तब आप जो है वो इस तरीके से क्लच छोड़ के बाइक चला सकते हो। फिर फुल क्लच प्रेस करके अगेन आपको जो है वो फुल क्लच प्रेस करके अगेन जो है आपको यहाँ पे क्लच छोड़ देना है। आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो। अगेन क्लच प्रेस किया, आपको जो है वो अपना बाइक आगे बढ़ाते रहना है। सो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, और पसंद आया तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको किसी दोस्त को प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, और मिलेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। तब तक के लिए प्लीज़ बी सेफ एंड बाय बाय। दोस्तों अगर आप लोगों को कुछ डाउट है और आप लोग मुझे कॉल करना चाहते हो तो ये ऐप जो है वो आपको हेल्प करेगा मुझे कॉल करने में। आप जो है वो ऐप डाउनलोड करो, मेरा जो ID है उसे सर्च करो और उसके ज़रिए आप जो है मुझे कॉल कर सकते हो। थ्रोटल, ये जो चीज़ है वो आप लोगों के लिए, थ्रोटल यानी एक्सेलरेशन, ये जो है वो आप थ्रोटल जिसके थ्रोटल यानी एक्सेलरेशन जिसका आप लोगों बिगिनर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कोई लोग इसको अच्छे से नहीं कंट्रोल कर पाते, कोई लोग जो है उसको बहुत